अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, विरसा हेरिटेज रिवाइव्ड के एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं फत उमर और यूसुफ सलाउद्दीन आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम, वैसे तो हमारे सारे प्रोग्राम हमारे लिए बहुत स्पेशल होते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि आज जिन दो फनकाराओं को हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, अगर बरे सगीर की फिल्म इंडस्ट्री से इन दोनों का नाम निकाल दिया जाए तो मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री का कोई क़याम ही नहीं होगा। और अगर हम इन दोनों का मुकाबला करें तो इस मुकाबले का जवाब तो आज तक नहीं मिल सका कि इनमें से बेहतर कौन है। दोनों बिला मुबालगा, बिला मुकाबला सरे फहरिस्त सबसे ऊपर इकट्ठी आती हैं। एक अगर सूरज है तो दूसरी चांद है, एक अगर खुशबू है तो दूसरी फूल है, एक अगर जिस्म है तो दूसरी रूह है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस मुकाम पे बरे सगीर में ऐसी दो कौन सी सिंगर्स हैं। जी हाँ, आज का प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं मलका तरन्नुम नूर जहान और वॉइस ऑफ इंडिया लता मंगेशकर को। यूसुफ, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैंने जितनी भी रिसर्च की थी, खैर इनके बारे में तो हम पूरी रात भी बात करते रहे तो बात ख़त्म नहीं होगी, लेकिन जहाँ पे भी इनके आपस में लोगों ने मुकाबला करने की कोशिश की कोई जवाब नहीं मिल सका। जो लोग म्यूज़िक को समझते हैं, जो म्यूज़िक गायकी को समझते हैं, वो जानते हैं इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लता जी जो हैं उनकी जो गायकी है वो रगी की गायकी है और उसमें जो उनकी महारत है वो शायद कोई भी उसका सानी नहीं। इसी तरह मैडम नूर जहाँ जो हैं, शी इज़ फुल थ्रोट से वो गाती हैं, सीने से गाती हैं। तो इनको इस तरह कंपेयर नहीं करना चाहिए कि कौन बेहतर है। अपने अपने मकाम पे दोनों ही बहुत अजीम गुलूकार आए हैं। तो हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, लता जी की आवाज़ में ये गाना रिकॉर्ड किया गया था और शंकर जयकिशन इनकी जोड़ी थी जिन्होंने इसे कंपोज किया था और रमेश शास्त्री लिरिसिस्ट थे। तो आपने ये गाना क्यों चूज किया? मैं देखें, ये 1949 में फिल्म बनी थी बरसात। मैंने ये फिल्म प्रॉबली देखी थी पहली दफ़ा 1954 या 55 में, अब या शायद उससे भी एक आध साल इधर उधर। लेकिन होता ये था कि आपको पता कि एक ज़माने में तमाम जो लोग थे गर्मियों में मरी शिफ्ट कर जाते थे, और एक दो चार दस दिन के लिए नहीं, लोग पूरे दो महीने के लिए जाया करते थे। सो मच सो के हमारा जो एचएसएन कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उनकी भी टीचर्स वहाँ जाती थी और वहाँ बकायदा हमें ये फिर वहाँ हमारी पढ़ाई होती थी और हमारा होमवर्क हमें करना। तो ये मुझे याद है कि ये फिल्म बरसात और ये गाना और पहाड़ों का गाना और एंड आई थिंक दैट आई मस्ट हैव बीन अबाउट 4 or 5 व्हेन आई सॉ इट। और वो एक ट्रेडिशन होती थी मरी में, 3-4 सिनेमाज होते थे। और आप ये सोचें कि 49 की फिल्म जो है वो 56-57 में भी उसी तरह चलती थी और रश लेती थी, और ये नहीं होता था कि एक फिल्म चली और उतर गई, क्योंकि म्यूजिकली इतनी साउंड फिल्में होती थी कि लोग उनको साल हा साल उनको सुनते भी थे और देखते भी थे। तो सारा रजा हमारे सामने बैठी हैं और वो ये बड़ा मुश्किल काम सर अंजाम देने चाह रही हैं, क्योंकि लता जी या मैडम के गाने को रिक्रिएट करना, मतलब दे वर जॉइंट्स, और उनके म्यूजिक को रिक्रिएट करना सिर्फ ऑनर की बात ही नहीं है, Truly. ये एक सख्त फरीजा भी है। मुझे इतना डर नहीं लगा इसलिए क्योंकि मुझे मोहब्बत बहुत है इन दोनों नामों से, और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मोहब्बत PTV और हेरिटेज रिवाइव की पूरी टीम ने दिखाई है इस बात को वाकई प्रूफ किया है कि म्यूजिक की कोई सरहद नहीं होती है, और लता जी हमें भी उतनी ही अजीज़ हैं जितनी किसी भी म्यूज़िक लवर को होंगी। मोरा लाल दुपट्टा
हामी उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मल मल का जी मोरा लाल दुपट्टा मल मल का हो जी इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मल मल का जी मोरा लाल दुपट्टा मल मल का हो जी जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए से जो बात करना चाह रही हूँ पार्टीशन के बाद मैडम यहाँ आ गई लाहौर और पाकिस्तान आ गई और लता जी वहाँ रही आपके ख्याल में बरेसगीर की जो म्यूज़िक है उसकी हिस्ट्री डिफरेंट होती है अगर मैडम यहाँ आने का डिसाइड ना करती और दूसरा इन दोनों की पहली मुलाकात या जब पहली दफ़ा इन्होंने इकट्ठे काम किया था उसके बारे में कुछ बता मैं सर अर्जी करना चाहता हूं और मियां साहब ने कहा कि इनका मुकाबला बिल्कुल बेकार है क्योंकि एक रगी की गायिका हैं एक पेट और सीने की गायिका हैं मियां साहब मेरे खालिक की तख्लीक के दो मोजज़े हैं क्या कभी मोजज़ों का भी तकाबला किया गया है क्या उनको भी कंपेयर किया जा सकता है भाई ये तो उस बनाने वाले की शान है कि अपना नूर दो गलों में रख दिया और उस नूर में से कितनी लहरें फूटी हैं हाय तारीफ सिर्फ उसकी उसका आपस में उसके साथ क्या मुकाबला ये तो इनकी खूबी है मैं अर्ज़ करूँ 1944 में 1944 उसे कहते हैं उसमें एक मराठी थिएटर के बहुत मशहूर गायक थे उनका नाम था मास्टर दीनानाथ मंगेशकर उनकी अनटाइमली डेथ हो गई फाकों तक की नौबत आ गई तो उनके एक फैमिली फ्रेंड थे जिनका नाम था मास्टर विनायक राव जो साधना के वालिद थे उन्होंने सोचा कि प्रफुल्ला फिल्म्स के बैनर तले एक फिल्म बनाएं जिनमें मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की दो बेटियां जो टीनेजर्स थीं उनको इंट्रोड्यूस करवाएं उनको गवाएं एक्टिंग करवाएं ताकि बच्चों के वसीले से खानदान का रोजगार चल सके जब ये सब कुछ हो रहा था तो किसी ने उनको समझाया कि मियां फाइनेंसर तब मिलेगा जब रूलिंग क्वीन ऑफ बॉलीवुड को इस फिल्म में हीरोइन लोगे वरना इन बच्चियों से तो ये फिल्म नहीं चलेगी पहले दिन का वाकया ये है कि माँ ने माई मंगेशकर ने जो दीनानाथ साहब की बेवा थी उन्होंने दोनों बड़ी बेटियों को अपनी पुरानी सूती साड़ियाँ जो कि 9 गज की होती थीं वो किसी ना किसी तरह पहनाई खैर ये दोनों बच्चियाँ तेल ड्रिप करती हुई और माँ की साड़ियाँ पहने हुए प्रफुल्ला पूना में जो स्टूडियो था उसके कोने में बैठी हुई थी एकदम से दुहाई मच गई कि फिल्म की हीरोइन आ गई फिल्म की हीरोइन बम्बई से आ गई दरवाज़ा खुला और एक बहुत आला वाइट कैडिलक में से एक खातून उतरी हैं उन्होंने गाढ़े नीले रंग का शलवार कमीज दबीज रेशम का पहना हुआ था ऐसे लगता था कि स्टूडियो की लाइटें ऑन हो गई हैं अब मजीद ज़रूरत नहीं रही हीरोइन ने गाना रिकॉर्ड करवाना शुरू किया किसी तरह से मोहब्बत में चैन पा न सके लता बाई ये कहती हैं कि उस दिन मैंने नूरजहां से एक बात सीखी कि लफ्ज़ मोहब्बत को अदा कैसे करते हैं क्योंकि गाने में था लफ्ज़ मोहब्बत शब्द हिंदी के उर्दू के कैसे कहने चाहिए ये मैंने नूरजहां से सीखा उनको तो मैं मिले हूँ पर कैसे हाय कहना चाहिए किस वक्त क्या एक्सप्रेशन गाने में होना चाहिए लोरी हो तो क्या हो सैड सॉन्ग हो तो क्या हो क्या क्या गाना चाहिए एक्चुअली शब्द है मोहब्बत हम लोग कहते हैं मोहब्बत शब्द है मोहब्बत दूसरा हलक से निकला हुआ उर्दू है मोहब्बत पर मोहब्बत गाने में बहुत खराब लगता है तो नूरजहां से मैंने फर्स्ट टाइम सुना मोहब्बत तो मैंने शुरू किया मोहब्बत अब आज सब लोग मोहब्बत कहते हैं तो ये मैंने इन लोगों से सीखा यहाँ के आप
कहेंगे तो मैं नूरजहां जी की फैन थी हूँ। लता जी बहुत अच्छा गाती हैं, वहाँ के हालात का तो मुझे पता नहीं, मगर वो जितना गाती हैं, जितना गाई हैं, उनके जैसा कौन करेगा, कौन करेगा इतना काम लता जी जैसा अच्छा काम, बहुत काम लोग करेंगे। और बहुत ही मेरी तो बहुत इज्जत करती हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे, और बड़ी मेरी मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है, वो इसलिए भी है शायद कि वो मुझे बहुत मोहब्बत करती हैं, और बहुत सोच समझ के गाने वाली लड़की है वो। सारा रजा जो दूसरा गाना हमें सुना रही है वो भी लता जी का है, और वो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स है, और ये एक जरा मुश्किल गाना है। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, और इसके जो लिरिसिस्ट हैं वो रजिंदर कृष्ण साहब हैं, और चित्रगुप्त साहब ने जो है इसकी कंपोजिशन दी हुई है, और इनके आगे जो इनकी औलाद है ये भी आगे से बड़े मशहूर कंपोजर्स हैं, आनंद मिलन और उनकी जो बेटियां सुलक्षणा पंडित और विजेता पंडित, इन्होंने भी इंडियन इंडस्ट्री में अपना बड़ा नाम पैदा किया। और जो ये फिल्म थी ये थी पतंग, और 1960 में रिलीज हुई थी।
हमारी अगली जो गुलकार है हमारे प्रोग्राम का एक और बहुत ही होनहार बच्चा जिसे हम ओन करते हैं और बहुत फख्र महसूस करते हैं इनकी तरक्की पे, हिना नसरुल्ला। लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले अदील हाशमी साहब यहाँ पे मौजूद हैं और अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम आपस में एक बात कर रहे थे कि ये जो लता जी के गाने और मैडम के गाने और हमारा जो असल विरसा है फिल्मी गानों के मुताबिक, हमारे आजकल की जो नई नस्ल है उनको इसका पता भी है, पहचान भी है? तो ये सवाल मैं अदील से पूछती हूँ, हिमसेल्फ इज़ अ फादर एज वेल, कि वो अपने बच्चों को ये गाने सुनवा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं ये कि नहीं? नई नस्ल के तो अली जफर यहाँ बैठे हैं, मेरा तो ताल्लुक फरिया परवेज और मैंने इसलिए तो बच्चों का जिक्र किया इस जनरेशन से है। लेकिन दो चीजें हैं, एक तो ये कि हमारी निहायत खुशकिस्मती है कि हम उस दौर में जिंदा हैं जिस दौर में मैडम भी गाती थीं, लता जी भी। शायद हमारे बाद जो लोग हैं वो उनकी रिकॉर्डिंग्स सुन पाएंगे, एक तो हमारी बहुत खुशकिस्मती। फिर दूसरे टेलीविज़न पीटीवी बिलखसूस के ऊपर जो प्रोग्राम्स होते रहे, तो ज़ाहिर है मैडम की फिल्में तो बहुत पुरानी हम तो नहीं देख पाए थे उस वक्त, लेकिन पीटीवी की एक खूबी ये भी है इस इदारे की कि ये काम इसने अपने ज़िम्मे लेके हम तक पहुँचाया। सिल्वर जुबली प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें पुराने गाने हम सुनते थे, यूसुफ साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें। और एक अभी जो गाना गाया सारा ने, उसका एक छोटी सी किस्सा मैं सुनाऊँ आपको। 20-22 साल पहले की बात है, एक हमारे बहुत बड़े मौसीकार थे, म्यूजिशियन थे, पियानिस्ट थे, मास्टर सादिक। तो उस वक्त यहाँ पे माल रोड पे एक होटल था, उसका नाम तब्दील नहीं हुआ था, इंटरकॉन्टिनेंटल में वो बजाया करते थे, उस वक्त नाम उसका नहीं बदला था। तो मैं लॉबी में गया, मेरी उम्र मुश्किल 16-18 बरस थी, और एक बेमिसाल धुन पियानो पे बज रही थी और मैं रुक गया वहाँ पे और मैंने काफ़ी देर सुना। फिर मैंने उनसे दोस्ती की, फिर मुझे इतना शौक हुआ कि मैंने उनसे कई साल पियानो सीखा, और वो जो पहली धुन जो मैंने सुनी थी, जो मैंने फिर सीखी, वो बरसात फिल्म का गाना बरसात ही था। और अभी तक मुझे वो गाना बजाना भी आता है, मासा भी याद है। फिर उन्होंने बहुत सारे लता जी के भी गाने मुझे सिखाए, उस मैडम जी के भी सुनाए सिखाए और किससे भी सुनाए उनके साथ जो मैडम जब रिकॉर्डिंग किया करती थी। तो हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि कम से कम लातादाद ऐसे फिल्मी गाने भी हैं और मैडम के तो तराने भी हैं जो हम तक पहुंचे। खुदा करे कि जो नया पॉप कल्चर है उसमें भी जो लोग शामिल हैं, ये सामने आइकॉन्स बैठे हैं बहुत सारे, ये उस म्यूज़िक को नई नस्ल तक भी पहुँचाएँ जो मेरे ख्याल से ऐसा म्यूज़िक है जो शायद आइंदा कभी ना बन पाए। अगर हम चाहें तो हम ये म्यूजिक अपनी अगली जनरेशंस पे आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, उसके लिए पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए। जी हिना, सबसे पहला गाना कौन सा सुना रही हैं आप हमें? ये तो यूसुफ अंकल बताएंगे। हाँ जी, जो मेरे पास लिखा हुआ है वो है लता मंगेशकर की आवाज में दिखाई दिए यू के बेबस। बाजार फिल्म का गाना है, मशहूर। खयाम साहब इसके कंपोजर, और खयाम साहब की क्या बात करें, एक और से बढ़के ऊपर से मीर तकी मीर साहब के कलाम। करते गई हके बंद
जो दूसरा अब आप हमें लता जी का गाना सुना रही हैं नैनो में बदरा छाए, ये अगेन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग एंड वन ऑफ आई थिंक हर बेस्ट सॉन्ग्स। और ये फिल्म मेरा साया साधना जी पे पिक्चराइज हुआ था ये गाना, और इसके जो लिरिसिस्ट हैं राजा मेहदी अली खान साहब और मदन मोहन साहब की ये कॉम्पोजिशन है। और मदन मोहन साहब पे इल्ज़ाम था कि वो ज़्यादातर जो गाने कंपोज करते थे वो फीमेल वोकल्स के लिए कंपोज करते थे, स्पेशली लता जी के लिए। हालांकि उन्होंने और भी बहुत लोगों से गाने गवाए और बहुत सारे मेल वोकलिस्ट से भी गवाया, लेकिन ऑब्वियसली जिसको लता मुहैया वो उसकी ज़्यादा इंस्पिरेशन तो फिर लता जी ही होंगी ना। बहरहाल वन ऑफ हिज बेस्ट कॉम्पोजिशन एंड हर बेस्ट सॉन्ग्स। हमने एक नए टैलेंट को यूज़ किया है, राके जमील, जो ये जो गाना बाप अभी आप सुनने वाले हैं इसमें जो सितार का जो ओपनिंग पीस है वो उस्ताद रईस खान साहब ने बजाया था। सो वी आस्क्ड राके टू प्ले दीज टू नंबर्स। और दूसरा इस गाने में ये है कि मेरा एक पर्सनली भी फेवरेट गाना, क्योंकि ये उस जमाने की बात है कि जब इंडियन फिल्में यहाँ नहीं आया करती थी, और बाय सम स्ट्रोक ऑफ लक उस वक्त एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ, और तमाम जो एफ्रो एशियन कंट्रीज थी उनके तीन तीन फिल्में यहाँ पाकिस्तान आई, और इनमें ये तीन प्रिंट जो थे यहाँ पाकिस्तान आए। और मुझे याद है कि अभी भी हम प्लाजा सिनेमा में रात के 12 बजे ये तीनों प्रिंट आए और हमने बारी बारी ये फिल्में देखी, मेरा साया, मेरे महबूब और गाइड, ये तीन फिल्में आई थी। बेस्ट
अच्छा अली, आप माशाल्लाह आपने अपना करियर सिंगिंग से शुरू किया, ड्राइंग से शुरू किया और फिर आप फिल्मों में भी गए। मुझे ये बताएं कि ये सफर कैसा था, और दूसरा ये कि यू आर वन ऑफ द आर्टिस्ट जो कि इंडिया में भी काम कर रहे हैं, और वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अब कुछ थोड़े से जैसे जैसे हालात बेहतर होते जा रहे हैं, आई हैव एन आर्टिस्ट हेयर हुज कम फ्रॉम इंडिया कम टू वर्क हेयर इन पाकिस्तान, तो ये चीज़ जो है ये होनी चाहिए, ये जारी रहनी चाहिए, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं इस पूरी कड़ी में ये जो सिलसिला है फ़न के तवासुत से एक्सचेंज होना लोगों का यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, इसकी एक बहुत छोटी सी कड़ी हूँ मैं। हूँ या ना हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा और चलता ही रहना चाहिए, लेकिन अलबत्ता जिस उस हिस्से में मैं यहाँ आया हूँ, सदी के या ज़िंदगी के या कायनात के और इन कुछ सालों के हिस्से में, तो मैं अपनी तरफ से जितना अपने काम के थ्रू, अपने फ़न के थ्रू, दो मेरी जो मेरा विजन था और जो सोच थी वो ये थी, दो चीज़ें थी कि एक ये कि ये जो एक्सचेंज है बिटवीन आर्टिस्ट इंडिया और पाकिस्तान की, ये जितनी है इससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं यहाँ पे आर्ट और आर्टिस्ट को देखता हूँ और वहाँ पे भी देखता हूँ, तो यहाँ पे जो फ़न का लेवल है और जो आर्टिस्ट हैं उनका जो हुनर है वो इतना ज़बरदस्त है और मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन अफसोस ये है कि उनकी उतनी कदर नहीं है। और उसकी एक वजह ये भी है, उसकी बहुत सी वजूहात हैं, हमारे पास इंडस्ट्री वैसे नहीं है एंड ऑल दैट, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ पे कि इंडस्ट्री बन रही है और वो सोच भी बन रही है किसी लेवल पे जहाँ पे ये बताया जा सके हमारे बच्चों को, और जो ये सब देख रहे होंगे इस वक्त छोटे बच्चे 6-7 साल के, 10 साल के, 12-20 साल के और उनके माँ बाप भी, कि फ़न एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान के अंदर है। जैसे खुदा ने डिफरेंट कायनात में चीज़ें और पहलू बनाए, इसी तरह मौसीकी उसका एक पहलू है जो हम सबके अंदर है। अगर आपका बच्चा इस तरफ जाना चाहता है और उसमें सलाहियत है तो उसको पनपने दें, उसको बढ़ने दें। तो मेरा खराज तहसीन एक तो आप सब लोगों को, तमाम म्यूजिशियंस को, तमाम गाने वालों को, और इस और पीटीवी को, इस प्रोग्राम जो आपने ये बनाया इतना अच्छा, एंड मेरी खुशकिस्मती कि मैं इतने बड़े फनकार के साथ यहाँ पे बैठा हूँ इनके राहत जी के साथ। तो जो राहत जी ने किया अपनी आवाज़ के थ्रू, अपने फ़न के थ्रू, वो हम जैसे लोगों के लिए एक एग्जांपल है। तो इन्होंने वहाँ जाके जिस तरह से इतनी अच्छी तरह से हमारी इज्जत कमाई, और हम इनके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच, सिलसिलाकार चलते रहे। अच्छा, तो आजकल क्या हो रहा है? मैंने सुना है आप पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन कर रहे हो। आर्टिस्ट की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है अपने फन की तरफ, अपनी सोसाइटी के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ये मौका किसी किसी को देता है कि आप इतने लोगों तक पहुंच सको, तो आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पे भी है शायद, और अगर कोई नहीं करना चाहता तो कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने इतने टाइम में सीखा फिल्म के हवाले से, वो मैं यहाँ आके अपनी इंडस्ट्री में अप्लाई करना चाहता हूँ और अपनी इंडस्ट्री को और अपने लोगों को क्रिएट करना चाहता हूँ। मेरा टारगेट ये है कि पाकिस्तान में एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो पाकिस्तान को बैन अवी सतह पर रिप्रेजेंट कर सके, हमारे कल्चर को, हमारे आइडेंटिटी को, हमारे म्यूजिक को, हमारी स्टोरीज को। और यहाँ पे अली के बारे में मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारे बहुत से एक्टर्स दूसरे मुल्क जाके काम करते हैं, लेकिन जिन्होंने वाकई पाकिस्तान के लिए इज्जत कमाई और बहुत इज्जत से काम किया है, वो उनमें से एक अली जफर का नाम भी आता है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। जी, आज के जो प्रोग्राम है, हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों की जो सफ़े अव्वल की सबसे बड़ी फनकार आए हैं उनको जो ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लकीली स्मिता रॉय हमारे पास इंडिया से यहाँ पे मौजूद है। ऐसा तो बहुत होता है स्मिता के हम लोग वहाँ जाके काम करते हैं, लेकिन इंडिया से यहाँ पे लोग कम काम करने आते हैं क्योंकि वो वहाँ पे शायद काम बहुत ज़्यादा, उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, टाइम नहीं होता। आपने ये कैसे किया? दिस इज़ माई सेकेंड विजिट इन पाकिस्तान। द फर्स्ट टाइम आई केम हेयर, उससे पहले मैंने काफ़ी दोस्त बनाए अपने पाकिस्तानी दोस्त मुझे जो दुबई में मिले और बाकी और जगह पर मिले, इंडिया में भी काफ़ी सारे लोग मिले मुझे, एंड समवेयर आई ऑलवेज हैड दिस
curiosity, you can call that. एक connection है पाकिस्तान से, बहुत पुराना, and I'm a person who loves excavating ruins, and right now, like for the last couple of years, I've been excavating the ruins of our partition stories. Yeah, okay. You know, and वो और ज़्यादा मुझे मेरी दिलचस्पी बढ़ाता गया इस मामले में. So I took up my camera, I took up my entire equipment. I was a one-man crew, and I started my journey all alone here in Pakistan. Excellent. And I started documenting the whole place. I started documenting the people, the lifestyle, the streets, the buildings, the clothes, the fashion, industry. तो इसमें तो क्या फर्क लगा आपको दोनों जगहों में? एक चीज होती है तहजीब, जो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इज्जत अफजाई ज़्यादा है यहाँ पर, and the whole culture, it's so rich, and of course the food. Okay. Wow. आप यहाँ पे acting कर रही हैं फिलहाल? के you're just making your documentary? No, I am also working on my documentary, and I'm working on some projects. Excellent. Here. Looking forward to that. I am making music, and I'm doing a film. So अभी उसके बारे में ज्यादा मैं बोल नहीं सकती. अच्छा, फिर कोई गाना सुना दें आप हमें, क्योंकि अभी हम लता जी और मैडम नूर जहान के गानों पे बात कर रहे हैं, तो आई एम श्योर अगर आप हमें मैडम का कोई गाना सुना दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. चांदनी राते, चांदनी राते, सब जग सोए हम जागे, चुराए चुपके से आए, हमने आपको जो चार गीत सुनाए वो लता जी की आवाज में रिकॉर्ड हुए थे, और हमारी बहुत ही दो टैलेंटेड सिंगर्स ने आपके सामने पेश किए. अब हम आगाज कर रहे हैं मैडम नूर जहां के गानों से, और सबसे पहले जो फनकारा हमारे साथ मौजूद है फरिया परवेज हैं. जब मैडम जी का गाना रिक्रिएट करना हो तो हमें ऐसे ही बड़े सिंगर्स की जरूरत होती है, क्योंकि उनके गाना दोबारा गाना कोई आसान काम नहीं है. और जो पहला गीत हमें फरिया सुनाने जा रही है वो पंजाबी का है, और उसके बोल हैं जा जा वे तेनु दिल दिता. वजीर अफजल साहब की मौसीकी है जी, और वजीर अफजल और मैडम जी का जो साथ था उसमें बहुत ही खूबसूरत गीत जो थे क्रिएट हुए, और उन्हें दोबारा पंजाबी फिल्मों में लाने का सहरा भी वजीर अफजल साहब के सर पर ही जाता है, क्योंकि मैडम काम छोड़ चुकी हुई थी. और जो लिरिसिस्ट हैं वो जी ख्वाजा परवेज साहब हैं, और अब
फरिया ये खूबसूरत पंजाबी नगमा हमें दोबारा सुनाएंगी।
जो बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट की जब भी फिल्म बनी है वो गानों के बगैर इनकम्प्लीट. हम मतलब दुनिया की आप हर मुल्क की फिल्में उठा लें, जो सब कॉन्टिनेंट की फिल्म है वो रोमांस और गानों के बगैर मजा ही नहीं आता, म्यूजिक के बगैर. लेकिन अब मैं नोट कर रही हूँ जो आजकल की फिल्में बन रही हैं उसमें एज सच जो है बैकग्राउंड स्कोर होता है, थोड़े से बैकग्राउंड में गाने चलते हैं, पर वो वाला रोमांटिक डुएट्स करना और वही पेड़ों के इधर नाचना बिल्कुल खत्म हो चुका है. रोमांस जो है वो उसका अब जो रोमांस की जो फिलॉसफी है वो बदल गई, वो बदल गई है. तो एक हमारे नई जनरेशन के फिल्म मेकर यहाँ पे बैठे हैं जो कि ब्रदर इन लॉ हैं अली के. अब मैं उनसे उमेर के साथ साथ इनके जो दादा थे उन्होंने भी एक फजली साहब ने बिल्कुल जबरदस्त फिल्म बनाई. तो लेट्स टॉक टू द यंग जनरेशन के वो म्यूजिक के बारे में अब अपनी फिल्मों में क्या कर रही हैं, वो रोमांस कहाँ गया, उनकी आपकी फिल्म में क्या हो रहा है. आपकी फिल्म का तो खैर नाम ऐसा है कि मेरे ख्याल से उसमें रोमांस नहीं होगा, खुद साया है खुदा है जुलजलाल, तो हम वैसे ही सुन के मुझे लगता है रोमांस का कोई ताल्लुक नहीं है इस फिल्म से. उस फिल्म में रोमांस है मगर रोमांस बेस्ड फिल्म वो नहीं बन रही, नहीं बन, क्योंकि इट्स मोर टू डू विद द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड हाउ वी फॉरगॉटन हु वी आर एंड वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम. सो साया खुदा है जुलजलाल का जोर जो सही है वो है कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने क्या क्या मुश्किलात देखी, कैसे उनका सामना किया और फिर वो अब किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं. अच्छा, ये तो आपकी पहली फिल्म है, आई एम श्योर इसके पीछे इंस्पिरेशन होगी, एक जज्बा होगा. आगे जो फिल्म बनाएंगे उसमें म्यूजिक, म्यूजिकल फिल्म्स, ये आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. अब जो फिल्म हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर म्यूजिक का बहुत ज्यादा रोल है क्योंकि इट हैज टू डू विद द हिस्ट्री ऑफ लाहौर. दैट हैज टू डू विद धोखा. इस फिल्म के अंदर हम दिखाना चाह रहे हैं कि लाहौर का जो कल्चर था इन द 1800s वो क्या था और उस एरा के अंदर हम घुसना चाह रहे हैं. ओह वाओ. कि एंड इट्स द लॉस्ट हिस्ट्री ऑफ लाहौर. पीपल नो के मुगल एम्पायर क्या थी, वहां पे क्या हुआ, उसका ब्रिटिश एम्पायर आ गई, उसके बीच में जो सिख एम्पायर का दौर था वो सारा बेस्ड आउट ऑफ लाहौर जो था उसके अंदर क्या क्या. बड़ा मुश्किल काम उमेर कर रहे हो आप, आपकी दोनों फिल्मों के टॉपिक है, आसान नहीं है बनाना. बस हमने सोचा कि अगर फिल्में बनानी है तो दे शुड मीन समथिंग. तो ये इंस्पिरेशन आपकी अपनी तरफ से आई है कि अली की तरफ से आई है इसमें. अली इज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड सपोर्ट एंड गुड हेल्प. But this film ki inspiration aayi with a friend of mine Farhan Shah who organizes old Lahore walkabouts. So Lahore jaake jo humne ghumna shuru kiya aur jaake purani haveliyon ke andar ghus ke uski unki storiyan suni to wahan se phir inspiration shuru hui ki hum isko ab cinema mein baki puri duniya ko kaise pahunchaye. Excellent. I wish you all the best because it's not an easy task especially in this country. Let's trying hard and let's see how. Chale ji. Thank you so much. उमेर के साथ एक और हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा, वैसे छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने मतलब एज एजुकेशन शी इज अ पेंटर, फिर एक्ट्रेस भी हैं, सिंगर भी हैं और माशाल्लाह फिल्म भी कर रही हैं. थैंक यू. मैं किसी और चीज के बारे में नहीं पूछूंगी. हम आज लता और मैडम पे प्रोग्राम कर रहे हैं, इन दो शख्सियात के बारे में बींग अ सिंगर बींग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री क्या कहना चाहोगे. Well, I've grown up listening to both of these names. मेरे घर में ये होता था कि अम्मी हमेशा म्यूजिक लगा के रखती थी तो और लता एंड मैडम नूरजहां दोनों ऐसे नाम हैं कि बचपन से बस सुन ही रहे हैं उनको एंड इट्स जस्ट कि वो उस एनवायरनमेंट में और बीइंग इन लाहौर यहाँ तो ऑब्वियसली कल्चर एंड म्यूजिक इज अ लॉट मोर प्रेवलेंट और मुझे याद है कि बचपन से हम वो श्रद्धांजलि सुन रहे हैं बिकॉज लता यूज टू सिंग अ लॉट ऑफ कवर्स आल्सो ऑफ अदर पीपल और वो सुनते हुए बस बड़े हुए हैं, मैडम को सुनते हुए बड़े हुए हैं. सो इट्स प्लेड अ ह्यूज पार्ट इन हु आई एम राइट नाउ. और तुम्हारी मतलब मेरी अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है ये. ये दोनों नाम. और सिंगिंग में दोनों का क्या इन्फ्लुएंस है तुम्हारी. ऑब्वियसली बचपन से हम उनके गाने गा गा के सीख सीख के प्रैक्टिस करते थे एंड यू नो कोशिश करते थे कॉपी करने की और कभी कभार बहुत अनसक्सेसफुल रहते थे. नो वन कैन रीच अप टू दैट बट बहुत बड़ा हिस्सा है इन्फ्लुएंसेस. आई थिंक द वे वी सिंग मोस्ट ऑफ अस हमारी जनरेशन के लोग और जो हम सुनना पसंद करते हैं जो गाते हैं वो सारा कुछ बेस होता है चंद नामों पे. अच्छा दोनों में से भी किसका गाना हमें थोड़ा सा गुनगुना के सुनाओगी. की तो ज्यादती है नहीं क्योंकि मेरा गला बहुत खराब है. चलो हल्का सा एक लाइन एक लाइन. कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांच
कांच की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए तेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए पल तक जो कहते थे अपना आज वही बेगाने हमारे साथ यहाँ पे बैठी और पाकिस्तान में जो अभी रिसेंटली जो फिल्म का रिवाइवल हुआ है उसमें इनकी फिल्म जो है वो सबसे ऊपर आती है बोल में. इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग भी की और हमारे सिनेमा को दोबारा से रिवाइव भी किया है. आज का प्रोग्राम हम लता और मैडम की ऑनर में कर रहे हैं. बीइंग एन एक्ट्रेस हीरोइन फिल्म में काम करने का दिल करता है कि कभी उनकी आवाज आपके पीछे कोई गाना हो और आप लिप सिंक कर रही हो और परफॉर्म कर रही हो. ये दिल करना मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी. उनकी आवाज में उनके गानों में इतने एक्सप्रेशंस थे कि आज भी जब हम वो म्यूजिक सुनते हैं वो गाने सुनते हैं तो जी चाहता है कि जितनी अच्छी तरीके से वो अपने सुरों से अपने आवाज से अपने लिरिक्स से वो एक्सप्रेशंस दिखाते हैं काश हम वो स्क्रीन के सामने दिखा सकें. आई थिंक एज एन एक्टर ये किसी का भी दिल बहुत ज्यादा जाएगा कि उस पर प्ले बैक लता जी का हो या मैडम जी का हो. इतने लकी नहीं हैं आप अब वो हमें मौजूद नहीं हैं लेकिन उस सब के बावजूद हमारे पास पाकिस्तान में ऐसे ऐसे म्यूजिशियंस हैं ऐसे ऐसे सिंगर्स हैं जिनकी मेलोडीज आजकल के ज़माने में भी बहुत उम्दा हैं. राहत जी हैं अली हैं. मुझे लगता है मैं एज एन आर्टिस्ट बहुत छोटी हूँ इस बारे में कुछ भी बोलने के लिए और अनलकीली तुम उनका प्लेबैक पे परफॉर्म नहीं कर सकती. एग्जैक्टली क्योंकि हाँ मर्द की आवाज है तो हम कर नहीं सकते लेकिन फिर भी मैं वैसे और म्यूजिक की जितनी नॉलेज है यूसुफ इज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी. मेरी इतनी यस हमेशा हमें बताते रहते हैं चीजें सिखाते रहते हैं तो मैं शायद इतना ही बोल सकती थी कि आज की शाम में हिस्सा लेकर ये सारी चीजें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और इतने बड़े स्टार्स के बीच आज मैं भी यहाँ मौजूद हूँ तो थैंक यू. आप खुद भी बहुत बड़ी स्टार और अल्लाह आपको और कामयाबियां दे. थैंक यू सो मच. फरिया परवेज जो मैं अगला गीत सुनाने जा रही है मैडम के तकरीबन सारे गीत बहुत मशहूर थे लेकिन बहुत ज्यादा जो कामयाब हुआ और लोगों में बहुत ज्यादा सुना गया उनमें से एक है लट उलझी सुलझा जा रहे बाद में. और इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर रशीद अत्रे साहब फयाज हाशमी साहब लिरिसिस्ट और फिल्म थी सवाल. छेड़ रही थी जुल्मी
कंटिन्यू एक शख्स जो हमारे विरसा हेरिटेज का रूह रवा साहिर अली बगा, ये बड़ा मुश्किल काम मैंने साहिर अली बगा साहब को दिया है क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंपोजर्स थे ये सारे और इनको शायद कोई और हाथ भी ना डालता। मेरे ख्याल से ये काम अगर कोई कर सकता था तो वो सिर्फ बगा ही कर सकता था। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल बहुत शुक्रगुजार कि मैं विरसा हेरिटेज का हिस्सा हूँ एक, और मैं समझता हूँ कि ये जो इतने बड़े कंपोजर्स और अरेंजर्स ने जिन्होंने गाने किए हुए हैं, ये तो उस दौर में 10-10 दिन की रिहर्सल्स होती थी जिसके बाद जाके एक टेक होती थी। मैं समझता हूँ कि ये अभी हम अगर घंटों में कर रहे हैं ये तो ये एक टीम वर्क है। मैं ये भी विरसा का और एक शुक्रगुजार हूँ PTV का आपका कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई करने के लिए जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो ये खुशकिस्मती है मेरी। मैं समझता हूँ कि इस तरह के लेजेंड जो कंपोजर्स हैं अरेंजर्स हैं उनकी चीज़ों को कॉपी करना, मैं समझता हूँ मेरे लिए एक ये है कि मुझे सीखने का बहुत कुछ मिलता है। हमारे आज के प्रोग्राम में इट्स एन ऑनर कि इतने बड़े बड़े नाम यहाँ पे मौजूद हैं और उनमें एक मारिया वास्ती भी हैं जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, लेकिन फ्रेंड्स अपार्ट बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस भी हैं। आपने कुछ फिल्मों में भी काम किया, इसलिए फिल्मी म्यूजिक के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जिसका मुझे अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि जो पहले एक म्यूजिक पार्ट होता था फिल्मों का, मुझे आजकल की चाहे वो इंडियन फिल्म हो या हमारी भी जो नई फिल्में मिल रही हैं, उस तरह वो गाने नहीं है। उस तरह का नहीं लगता। What do you think? Why? ज़्यादा emotional था और मुझे लगता था रोमांस एंड अदाएं और बहुत सारी चीजें जो डायलॉग में नहीं शायद कन्वे कर सकते थे वो गाने के थ्रू हो जाती थी, और गाना जो था या जो सॉन्ग था द वे इट वॉज पिक्चराइज
वो स्क्रीन प्ले को भी आगे लेकर जाता था, जो अब कमी महसूस होती है इन अ वे दैट वो आ तो जाता है बीच में एक आइटम नंबर या कोई गाना, बट वो कई दफा वो स्टोरी का हिस्सा नहीं होता या उसको आगे मूव नहीं करता. और वो ये वो गाने थे जो अब तक हमारे साथ है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स एंड जनरेशन. आजकल वो रिकॉल वैल्यू जो है वो कम हो गई है गानों की. आई जस्ट फील के हर जनरेशन का ये फर्ज होता है कि वो ऐसा कोई काम करे कि नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन हो सके. तो आई फील दैट बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कंपोजर्स हैं, एंड वी आर वेरी रिच विद दैट काइंड ऑफ टैलेंट. तो आई थिंक इट शुड बी रिकग्नाइज्ड और उसको पनपने दिया जाए, इनकरेज किया जाए और आगे लाया जाए. वेल सेड, बहुत अच्छी बात की. अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. जो अगली गायिका हमारे पास मौजूद हैं साइमा जहां साहिबा, ये और उनकी वालदा अजरा जहां साहिबा, इन्होंने मैडम नूर जहां को बहुत गाया और मेरे ख्याल से आपने तो आपका उनके साथ कुछ ताल्लुक भी था. आपने आप स्पेशली उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं और आपकी और उनकी तो माशाल्लाह अगर कोई बहुत करीब उनके गा सकता है तो उनमें से एक आप हैं. वो मेरी फूफू थी, फूफी, और ब्लड का रिश्ता भी है. माशाल्लाह मैडम नूरजहां तो सदियों तक नहीं पैदा हो सकती. ये तो है. तो मैं इस प्रोग्राम को देखती रहती हूँ टीवी पे, तो मैं तो यूसुफ साहब की बहुत मशहूर हूँ, इसलिए कि इस विरसे में हमारे जो मैडम नूरजहां, लता जी और नई सिंगरे जो गा रही हैं, इसको बढ़ाया बिल्कुल. और मैं इसलिए खुश हूँ कि याद रखा और म्यूजिक को भूलने नहीं दिया जो हमारा विरसे में है. सही, ये मौसीकी का विरसा है और ये सदा सलामत रहे. जी साइमा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक. आपने अपनी वालदा से ऑब्वियसली आपकी भी इंस्पिरेशन उतनी ही मैडम है जितनी आपकी वालदा के लिए थी. बिल्कुल. बचपन से मैंने जब मैं 6 साल की थी तो मैं बहुत छोटी सी लता जी के गाने ज्यादा गाती थी. वो सत्यम शिवम सुंदरम जो है वो मैं बहुत गाती थी, छोटी सी थी 6 साल की. तो उसके बाद फिर अपने घर में ही म्यूजिक आँख खुली तो मैडम नूरजहां जी, आना जाना घर पे उनका भी होता था और मुझे बड़े शौक से सुनना उन्होंने छोटी सी बिल्कुल होना, और अम्मी से कहना इसे लेके आए, मैंने सुनना इसको. सर से रात बैठ के सुनते थे, बड़ा प्यार करती थी बहुत. मैं यहाँ पे भी आके बहुत खुश हूँ और मैडम नूरजहां जी और लता जी को जो सब ने ट्रिब्यूट पेश किया उन सब के लिए भी बहुत बहुत मेरे दिल में आज प्यार है. तो थैंक यू. तो चलिए पहला गीत जो आप हमें सुना रही हैं वो सुनते हैं. पंजाबी गीत आप सुना रही हैं, अल्लाह दी सौ तू नहीं दिसदा.
प्रोग्राम मैडम जी और लता जी को हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने अपने अपने मुल्कों का नाम रोशन किया आप भी मैडम की तरह हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और जिस तरह इंडिया ने मैडम को हमेशा चाहा अब भी चाहते हैं उसी तरह आपको भी बहुत चाहते हैं बहुत शुक्रिया इन दो बड़े सिंगर्स के बारे में आप आजकल के एक बहुत बड़ा नाम है आप क्या कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने बड़े सिंगर्स की के बारे में ये ट्रिब्यूट हो रहा है और विरसा हेरिटेज में परफॉर्म कर रहे हैं सारे जितने भी गायक हैं गायिकाएं हैं और साहिर अली भगा साहब को मैं बहुत खराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने 100 साल का म्यूजिक जो है वो चंद दिनों में क्रिएट कर दिया आपको खास तौर पे आप लोगों को हिना जी सारा जी इन्होंने बहुत बहुत कमाल का परफॉर्म किया है और अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे मैं कौन होता हूँ आपको दुआ देने वाला जिनका आप ये म्यूजिक गा रही हैं उनकी जो सोल की दुआएं हैं वो आप ऑलरेडी आप ले चुके हैं इन्होंने मुझे कहा कि मियां साहब ने कि आपने लता जी और मैडम नूरजहां के बारे में कंपेयर करिए आप कि इनमें क्या चीज मुख्तलिफ क्या है और कि कैसे ये एक कैसे तो मैं बहुत सोचा मेरी तो औकात ही नहीं थी कि मैं कुछ इन दो बड़े लेजेंड्स जो हैं हमारे दोनों सब कॉन्टिनेंट के उनके बारे में मैं एक छोटा सा एक इंसान कुछ बात कर सकूं वर्थ नहीं होगी उस चीज़ की बट जो मुझे समझ आई नाकस सी सोच है कि एक मेलेडी क्वीन है और एक मलका तरन नूरजहां
मियां साहब को, यूसुफ सलाउद्दीन को ये बहुत क्रेडिट जाता है कि इन्होंने एक रिवायत को जिंदा रखा, और वो रिवायत हमारी ये थी कि, और ये हमारे बच्चों में ट्रांसफर करनी, ये रिवायत बहुत जरूरी है जिसके थ्रू ये सब कुछ पनपेगा कि ऐसे होनहार फनकार और लोग जिनमें दानेश्वर और इंटेलेक्चुअल्स और लिटरेचर से रिलेटेड और म्यूजिक से रिलेटेड लोग इकट्ठे बैठ के आपस में लाहौर का ये मौसम जो एंजॉय कर रहे हैं, जो सब लोग देख रहे हैं बैरून मुल्क और इंडिया में, आजकल तो यूट्यूब पे चली जाती वीडियोस, जो तुम लाहौर नहीं देखा तो तुम जम्मे नहीं हो, तो दूजी गल है कि जिस तुम मियां साहब की हवेली नहीं आए तो अच्छा मैं भी यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। इतनी बात हुई, देखें मेरे माइंड में बेसिकली जो चीज़ है, जिस तरह आपने कही कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो शनाख्त है, हमारी जो रूट्स हैं, हमारी जो एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, वो हमारे बच्चों तक पहुँचे। और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैं और तो मैं ये म्यूज़िक को ही थोड़ा बहुत समझता था, और मैं समझता हूँ कि आजकल के ज़माने में टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही एक ऐसी चीज़ है कि जो मुल्कों की तकदीर बदल के रख देते हैं। मीडिया सो पावरफुल, सो ये प्लेटफॉर्म चूज किया, और मेरे माइंड में ये भी था कि खुदा ना खास्ता कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसको अपने बारे में कम और औरों के बारे में ज्यादा पता हो, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। सो बेसिकली इस सारे विरसे के प्रोग्राम के पीछे म्यूजिक नहीं, हमारी अपनी आइडेंटिटी है जिसको हम ग्रास्प करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूं कि जब हम मैडम और लता का दोनों का जिक्र कर रहे हैं तो फिर एक साहब का जिक्र बेनतहा जरूरी है, और उसमें लाहौर से एक ताल्लुक और एक बहुत बड़ा गहरा रिश्ता पैदा होता है। मास्टर गुलाम हैदर को हम कैसे भूल सकते हैं? मास्टर गुलाम हैदर मास्टर जी जो दोनों के मास्टर थे, जिन्होंने लाहौर में अपने करियर का आगाज किया स्वर्ग की सीढ़ी के साथ, फिर उन्होंने 1937 में सबसे पहले नूरजहां से, मैडम नूरजहां से गवाया शालिया शाला जवानिया माने, और दुनिया जहान में ये दुआ मशहूर हो गई। शहीद फिल्म का गाना दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा, कोई लता जी की आवाज को फिल्म के लिए मुनासिब नहीं समझता था, शी हैड अ पिकलो वॉयस, बिल्कुल माइक में गाना पड़ता था आवाज लेने के लिए। सारी जिंदगी वो दोनों बीबियां ये कहती रहीं कि एक ही ऐसा जौहर शनास था जिन्होंने ये दोनों गौहर और जवाहर डिस्कवर किए। और आखिर में सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जहां हमने आयशा उमर को सुन लिया, जहां अजरा जहां बैठी हूं उनको रिक्वेस्ट ना की जाए, तबर्रुक के तौर पे एक चीज पेश करें छोटी सी। मेरे दिल दे शीशे विच सजना, मेरे दिल दे शीशे विच सजना, पई सजदीए तस्वीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना, पई सजदीए तस्वीर। इफ़त बोनस हो गया, बोनस हो गया। माशाल्लाह। साइमा जी जब हमें पेश कर रही हैं, वो मैडम जी की गाया हुआ गीत या गजल उसे कह ले, कल तक जो कहते थे अपना, ये इसको लिखा रियाज शाहिद साहब ने, फिल्म थी बेहिश्त, और रशीद अतरे साहब ने इसकी कंपोजिशन दी थी। कल
दोनों फनकारों में कोई मुकाबला तो नहीं। अगर पार्टीशन के बाद मैडम पाकिस्तान आने का फैसला ना करती तो सब कॉन्टिनेंट के म्यूजिक की हिस्ट्री जरूर फर्क होती और दोनों अपनी अपनी जगह ऊंचे मकाम पे बैठी हुई हैं, बैठी रहेंगी। वहां से अगर आवाज उठती थी ए मेरे वतन के लोगों, तो यहां से गूंज उठती थी ए मेरे वतन के सजीले जवानों। तो कोई मुकाबला नहीं है, सिर्फ प्यार है, टैलेंट है और बाकी सब चीज़ों में हमारे जितने भी डिफरेंसेस रहे हैं, लेकिन आर्ट्स, मौसीकी, एक्टिंग, इसमें हमें मिलजुल के काम करना है क्योंकि इसी से इस पूरे खत्ते के काम में बेहतरी आएगी। इसी के साथ मुझे इफ़त उमर और यूसुफ सलाहुद्दीन को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।